आज प्रेस क्लब में कांग्रेस ने प्रेस वार्ता का किया आयोजन। सम्मानीय साथियों, आज राकेश पटानी जी, संगठन मंत्री मोहित रघुवंशी जी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हमारे गौरव दानी जी, साथियों, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से हमारे प्रदेश के मुखिया, हमारी पार्टी के मुखिया आदरणीय कमलनाथ जी को बहुत बहुत बधाई पेश करता हूँ। पूरे मध्य प्रदेश के किसानों की ओर से, विदिशा जिले के किसानों की ओर से और हमारी कांग्रेस पार्टी की ओर से कि उन्होंने किसान न्याय योजना लागू की। किसान न्याय योजना लागू करने के पीछे सिर्फ एक मकसद है कि आपको मालूम होगा कि माननीय मोदी जी ने कहा था कि सन 2022 में किसानों की आय दुगनी करनी। केंद्र सरकार के हाथ में सब कुछ होता है, इसके बाद भी वो किसानों के लिए कुछ नहीं कर पाए। राज्य सरकार जो कर सकती है उसका अध्ययन किया गया माननीय कमलनाथ जी के द्वारा और ये 5 योजनाएं उन्होंने लागू की। 5 हाथों तक की बिजली के बिल माफ़ किए जाएंगे, चाहे टेम्प्रेरी हो या परमानेंट। अभी तक किसी भी सरकार ने टेम्प्रेरी के लिए कभी कुछ नहीं किया था, क्योंकि कमलनाथ जी ये जानते हैं कि मध्य प्रदेश के किसानों की हालत ख़राब है, इसलिए उन्होंने इस योजना को लागू किया। मध्य प्रदेश में किसानों का कर्जा जो पूर्व योजना थी हमारी, उसको रेगुलर किया जाएगा। 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ़ किया जाएगा। पूर्व में भी 27 लाख किसानों का कर्जा माफ़ हुआ, जो बचे हुए किसान थे उनका कर्जा माफ़ नहीं हो पाया। आप कारण जानते हैं कि कुछ सरकार में खरीद हुई। किसानों के ऊपर जो MPB ने मुकदमे लगाए हैं, हमारा मामा कहता है कि बहनों नारी कौन सी बहना सम्मान योजना है उनकी, जीजा परेशान है और बहन को 1000 रुपये दे के गुमराह किया जा रहा है। उसके अगेंस्ट पहले तो लोग ये कहते थे कि आप शिवराज जी की नकल माननीय कमलनाथ जी ने की है, लेकिन मैं आपके माध्यम से माननीय मामा जी से कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले हिमाचल सरकार ने 1500 रुपये प्रति माह शुरू किया था ना, उनकी नकल आपने की। उनकी नकल करने के बाद भी आप हिम्मत नहीं जुटा पाए, 1000 रुपये मात्र देने का वायदा किया आपने, उसमें भी आप गेलमाल कर रहे। जिनको 600 रुपया मिलता था पहले पेंशन का, उनको 400 रुपये बढ़ाकर 1000 कर दिया। माननीय कमलनाथ जी ने विचार किया कि 1000 रुपये में कुछ नहीं होगा, इसलिए नारियों के लिए 2 योजना लेके आए। एक योजना 1500 रुपये प्रति माह और दूसरी योजना 500 रुपये में प्रत्येक महिला को सिलेंडर कनेक्शन, यानी 1000 रुपये जिसे मिल रहे हैं वो 150 रुपये मिलाकर सिलेंडर खरीद कर फ्री हो जाएगी महिला। लेकिन माननीय कमलनाथ जी 1500 रुपये दे रहे हैं, 500 में सिलेंडर खरीदो और 1000 से बचाओ। ये माननीय कमलनाथ जी की योजना है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी गरीब के हित की पार्टी है, गरीबों का साथ देती है। आज मध्यम वर्ग का भी साथ दे रही है और बड़े लोगों का भी साथ दे रही है। 100 यूनिट बिजली माफ़ करके, 200 यूनिट बिजली माफ़ कर उसका हाफ करके और ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर, ये पूर्व में योजनाएं माननीय कमलनाथ जी ने दी हैं। कृषि पंप किसानों के कृषि उपयोग की पुरानी बिजली के बिल माफ़ हो जाएंगे। अभी आप पूछ रहे थे राकेश भाई से।